हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल हॉटपॉट स्टडी। इस वीडियो में हम लोग बंगाल स्कूल पेंटिंग के एक फेमस पेंटिंग राधिका पेंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पेंटिंग में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, सारी बातें कवर करने वाले हैं। हमें किसी भी पेंटिंग को डिस्क्राइब करने से पहले, उसके डिस्क्रिप्शन को लिखने से पहले ये 6 चीज़ें लिखनी इम्पॉर्टेंट होती हैं। ओके, फर्स्ट इज़ टाइटल। टाइटल में राधिका लिखेंगे, आर्टिस्ट MAR चुगतई, पीरियड बंगाल स्कूल या फिर मॉडर्न टाइम पीरियड, मीडियम मीन्स इसका माध्यम क्या था, ये क्या चीज़ को यूज़ करते हुए बनाया गया है, ये वाटर कलर का यूज़ करते हुए पेपर पे बनाया गया है, टेक्निक मीन्स ये किस स्टाइल में बनाया गया है इस पेंटिंग को, इसमें टेम्परा एंड वॉश टेक्निक का यूज़ किया गया है। टेम्परा एक इंडियन स्टाइल टेक्निक है और वॉश टेक्निक एक जापनीज और इंडियन टेक्निक का एक मिक्सअप नया टेक्निक है। ओके, वॉश टेक्निक में कलर का जो मात्रा थोड़ा कम होता है और वाटर का मात्रा ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली है। कलेक्शन इट मीन्स ये पेंटिंग कहाँ पे रखी गई है। ओके, अब जानते हैं इसके थीम के बारे में। थीम की बात करें तो इसमें एक डेलिकेट इंडियन लेडी दिखाई गई है विथ सम लव इमोशंस। आप जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं कि राधिका जो है वो थोड़े शर्माते हुए नज़र आ रही है और बहुत ही डेलिकेट नज़र आ रही है, मीन्स बहुत ही नाजुक दिख रही है। इसके डिटेलिंग की बात करते हैं, प्रोफाइल फेस दिखाया गया है राधिका का, मीन्स साइड व्यू दिखाया गया है। इनका हेड डाउन है, आइज़ बहुत ही ग्रेसफुल है विद शार्प आईब्रोज बनाए गए हैं, ब्लैक एंड ब्राउन हेयर्स हैं इनके और ये पेंटिंग एकदम रियलिस्टिक नज़र आ रही है। इन्होंने अपने गले में ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं और ईयररिंग्स भी अपने ईयर्स में पहना हुआ है, मीन्स ये इंडियन लेडी का जो भी एक सिंगार होता है वो सारी चीज़ें इनमें दिख रही हैं। इनका जो लेफ़्ट फुट है वो फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में हम लोग को दिख रहा है और इन्होंने दोनों हाथों में लोटस होल्ड किए हुए हैं और इनके राइट हैंड के लोटस पे एक हनी भी बैठा हुआ नज़र आ रहा है। इन्होंने रेड बैंगल्स दोनों हाथों में पहने हुए हैं और अपने फिंगर्स में रिंग भी पहना हुआ है। इन्होंने लाइट कलर, लाइट पर्पल कलर का लहंगा विथ डार्क ब्लू प्रिंट्स पहना हुआ है और रेड ब्लाउज है इनका और येलो कलर का ओढ़नी पहना हुआ है विथ ब्राउन बॉर्डर। ओके, बैकग्राउंड की बात करते हैं। बैकग्राउंड की बात करें तो इसमें बैक साइड में एक लैम्प दिखाया गया है विद लैम्प सेट, मीन्स रोशनी चारों तरफ फैलती हुई नज़र आ रही है और लैम्प बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है विथ एवरी सिंगल डिटेल्स। बर्निंग फ्लेम के साथ साथ स्मोक भी देख सकते हैं और इसके ऊपर एक अम्ब्रेला शेप का एक झूमर है जो कि उसका जो चेन है वो फ्लोर पर लटक रहा है। तो ये सारी डिटेलिंग है लैम्प बैकग्राउंड की। अगर कलर स्कीम की बात करें तो बैकग्राउंड में बहुत ही ब्यूटीफुली रेड येलो और ब्लैक कलर का फ्यूज़न यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली ब्लैक कलर भी है, येलो कलर भी है और रेड कलर इसका कॉम्बो यूज़ किया गया है और होल कंपोजिशन इस पेंटिंग का जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है। रिदमिक फॉर्म है और फ्लैक्सीबिलिटी है इस पेंटिंग में, स्मूथनेस है, स्मूथ लाइन्स हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हैव अ ग्रेट डे।